ये प्रताप सर, तलवा खोलिए ना, हाफ टाइम हो गया, हाफ टाइम के बाद यहीं अगर खेलना है। ए मर्द, ऐसे ही ले जाइएगा सर, जो चार को कोड़ा मारकर गरम कीजिए। पे पिक्चर बनाते हो, आई कैन फाइनेंस। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड जॉब। बड़ी साईं, इस सब्जेक्ट में तो काफी दम है। आई विल फाइनेंस। थैंक यू सर। अब फाइनेंस का झंझट खत्म जी, तुम शूटिंग करो, लोकेशन देखो और एक्शन बोलो। ये फाइनेंस करेगा ना, ये तो मुझे किसी जोकर से कम नहीं लगता है। अरे तुमको ये सबसे क्या जी, तुम फिल्म बनाओ ना। अन्ना कहानी हमारी नहीं है, हमें राइट्स लेना पड़ेगा। अयो जी, ये कहानी तुम्हारा नहीं जी, तो फिर किसका है जी? अन्ना इस कहानी की लेखिका बिहार में रहती है। रुको रुको, ये पकड़ लिया। अब देखकर कोई बोलेगा क्या कि तुम इतना बड़का बड़का किताब लिखती हो? अच्छा, एंड यू नो अन्ना, इट्स अ ट्रू स्टोरी। मैंने जो ये प्रोमो बनाया है, ये इसकी नॉवेल को पढ़ के बनाया है। एंड अन्ना, मुझे लगता है इसकी कहानी में और भी कुछ बातें हैं। अब बताओ, अब लग रही हूँ ना समझदार? हाँ, अब लग रही हूँ। हमें उससे मिलना पड़ेगा ना, हमें बिहार जाना पड़ेगा। सर, मुझे वहाँ जाने से डर लगता है सर, कोई फायदा नहीं है वहाँ जाने से। वैसे है क्या बिहार में और क्या मिलेगा हमें वहाँ जाके? मिलेगा मोक्ष। यू नो गया, गया सिटी, वर्ल्ड में कहीं भी मरो, मुक्ति सिर्फ बिहार में ही। ओके, वेलकम टू बिहार स्टीवन। वेलकम वन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल जी, वी आर प्राउड ऑफ आवर बिहार जी। वेलकम वन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल जी, वी आर प्राउड ऑफ आवर बिहार जी। औरंगाबाद जिले का कभी बघेलचक गांव हुआ करता था, लेकिन विडंबना है कि आज ये जर्जर अवस्था में खड़ा हुआ है। बिहार सरकार के नक्शे में इस गांव का नाम क्यों नहीं है? सरकारी नक्शे पर इस गांव का नाम मिट चुका है, क्योंकि 27 दिसंबर 1987 के खूनी नरसंहार के बाद इस गांव में कोई नहीं बचा था सर। हाँ, मैंने भी इसे घोस्ट विलेज के नाम से पढ़ा है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर, अगल बगल वाले तो इसे भूतिया गाँव ही कहते हैं, और उनकी माने तो आज भी इस गाँव से सैकड़ों लोगों की आवाजें सुनाई देती है, जैसे मानो कि यहाँ फुटबॉल मैच हो रहा हो। वैसे जो घास का ग्राउंड देख रहे ना आप, उस जमाने में फुटबॉल का ग्राउंड ही हुआ करता था। राम यार, पिक्चर क्लियर नजर नहीं आ रहा है, कुछ करो। सर, क्लियर पिक्चर के लिए कैमरे को खंडरगांव के अंदर ले जाना पड़ेगा। तो ले जाओ। इट्स इम्पॉसिबल सर, इस भूतिया खंडहर के अंदर कौन जाएगा? क्यों, राम को भेज देते हैं, वो चला जाएगा। उसके अंदर जेबो मत कीजिएगा, अंदर में भूत है, दो चार नहीं 300-400 के जत्थे में भूत है, वही पटक के मुआ देगा। अंदर मैं जाऊंगी, आई कैन हैंडल द कैमरा। जर्नलिज्म
काफी काम किया है मैंने। अब तक मैंने भी सिर्फ कहानी सुनी और इसे लिखा। इस यथार्थ को अपनी आंखों से देखने का मौका मैं मिस नहीं कर सकती, कभी नहीं। कमाल है। आज तक तुम उस खंडहर के अंदर नहीं गई, लेकिन तुमने नॉवेल लिख लिया। कुछ बात समझ में नहीं आई? This is not just a story for me. It's part of my life. ये मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं है स्टीवन, मेरी जिंदगी का हिस्सा है। लोग यहाँ की लड़ाई को जातिवाद से जोड़ चुके हैं, पर ये लड़ाई विचारों की थी और हमें इसे साबित करना है। के गुरु और उनके ट्रेनर रामानंद जी का था। तुम्हारा कैमरा ऑफ है। विभा, तुम मेरी आवाज सुन रही हो? विभा, मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ पहली बार ये निर्णय लिया गया था कि बघेल चक गांव पे फुटबॉल मैच खेले, और शायद यही निर्णय इस गांव के खात्मे का कारण भी बना, जैसा कि तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। खुशी और हंसी के कहकहों से माहौल गूंज रहा था। इस शादी में आसपास के गांव के बहुत सारे ठाकुर आए थे और खाने के पंक्ति में बैठकर अपनी झूठी आन बान और शान दिखाने के चक्कर में इस गांव के विनाश लीला का इतिहास रचा गया था, और वजह थी उन गांव के बीच होने वाली फुटबॉल टूर्नामेंट। अरे सुनिए ना, अरे हमारी बात भी तो सुनिए। अरे आइए, इन्हें बैठिए। अरे आप लोगों के यहाँ बिजली का खंभा लगा हुआ है तो अपने आप को बहुत एडवांस समझने लगे। अरे खंभा लगने से क्या होता है, ढिबरी और लांचन से छुटकारा मिलना है आप लोगों को, और बड़का साहब बनना है तो आ जाइए, मैच खेल लीजिए। और ये बड़ा गंगा टूर्नामेंट में जो जीतेगा ना वह कहेगा बड़का ठाक बुनिया, और जो हारेगा ना मुँह में चद्दर लपेट के सारा जवार में घूमेगा।
मुंह नहीं दिखना चाहिए उसका। खाइए दुनिया। एक जमाना था कि सौंसे जवार के बाबू लोग के मालिक हम ही हुआ करते थे। अरे तनी आप लोग के पास रुपया पैसा हो गया तो तन के खड़े हैं आप लोग हमनी के पास, और न तो और हित भी बन गए हैं और बाराती भी लेकर चल आए हैं हमनी के द्वारी पर। अरे 30-40 साल पहले आप लोग का कोनो औकात था महाराष्ट्र में? अरे छोड़िए ना पूरन का बात, टूर्नामेंट में आके फरिया लीजिए, देखते हैं केकर माई केकरा कितना दूध पी ले है। का बात करते हैं महाराष्ट्र में, जब बात औकाते की है तो जे मैच में हारेगा वो अपन औकात अपन भाड़ी में घुसा लेगा। अरे का बात करते हैं महाराज है? कैसे गांव समाज में क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, आपको कुछ मालूम ही नहीं है? अरे जब आपको मालूम है कि हमनी के गांव में कोनो फुटबॉल नहीं खेलता है तो किसी के छाती पर चढ़ के आप फुटबॉल खेलेगा? ठीक है तो हम लोग अपना टीम बनाएंगे, देख लेते हैं, हरिया लीजिए आप भी, देख लेते हैं कि आप लोग कितना आगे बढ़ गए हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, आलूदम भिजवाइए। अरे दो रे आलूदम दो उधर, और सुनिए एक हरियर का मिर्चाइयो भिजवाइएगा तोड़ के पिछवाड़े में रगड़ने के लिए। नाम ना खेलेंगे ना जाएंगे, ना खेलना है हमरा। जी कोई दौड़ने को तैयार नहीं है, तैयार नहीं है, देखते हैं इस सब नहीं खेलेगा। अरे अपनी कुंडली मार कर बैठा ला रहा साहब, सिपाही जी। जी मालिक। तनी सब को नहर देने दौड़ाइए तो। अभी दौड़ाते हैं मालिक। ए काका ये सब हमनी से ना होगा, क्रिकेट खेले कहिएगा तो खेल लेंगे, बाकी गेंदा कोनो खेल हुआ। चलो रे हमनी के गेंदा कोना खेल। अरे कुड़िया, अरे चुटका, अरे सुन रहा है रे? अरे मुखिया जी, अरे जवान लड़का लोग ज्यादा मुंह ना लगे, कहीं उल्टा सुल्टा कुछ बोल दीजिए साहब। अरे का बोल देगा, सोच रहा लेकिन सबके तो फुटबॉल गया ना। है मुखिया जी, वो जनानियों है ही यहाँ पर। छोड़ो ना, चलो इधर। दिन भर ही सब काजू किशमिश बादाम चबाते रहता है, चार डग दौड़ने में ही सबका पथरी खराब होता है। अरे ऐसे निक तो छोटकन टोला के लेकिन सब है महाराष्ट्र ने, जो दिन भर चूहा बगुला खा के एहनी से मजबूत है। अब बाबू साहेब के लेका का घंटा भाई। चल छोटकन टोला से लेकन को पकड़ते हैं। चल मुखिया जी, उन्हीं से हम लोग छुआ नहीं जाएंगे। अरे नहीं छुएंगे, चलो ना नहा धोवा के चलते हैं, नहीं होगा गंगाजल लेके चलेंगे। हाँ ठीक है कहते हैं, उन्हीं के जैसे कहेंगे वैसे बात मानेगा। नहीं मानेगा तो थूक गिरा के चटवाने में कितना देर लगता है। रामानंद बाबू को खबर भेजवा दो, कहे से कि फुटबॉल के ट्रेनिंग के लिए कोनो न कोनो ट्रेनर तो होना ना चाहिए जी। मारिए गोली रामानंद बाबू को। अरे वो जो है ना सो भर दिन जो है वो छोटका लोग के उत्थान शोषण के खिलाफ जो है भाषणबाजी करते रहते हैं, जहाँ तक कहते नहीं है घर में खाला भात नहीं लूटे कलकत्ता। नहीं हो ओकर बेटी के गौनों ने न हुआ अभी तक। सुनते हैं कि बारूदी सुरंग में नक्सल सब पूरा आर्मी बसे उड़ा दिया, दमादो के लाश ना मिला हो अभी तक। मुखिया जी रामानंद तुरंत बंद कीजिए, चलिए। वो छोटकन टोला का जवन काबिल का लोग है वो 11 का नाम लिस्ट में लिखा गई। आप एगो काम करिए, आप गांव में खबर करवा दीजिए कि काल से कौनो उसको बनिहारी पर न बुला। ठीक है करते हैं। ए दशरथ प्रणाम। इस साला का क्या हुआ? अरे का कहें, वो ललका साढ़ है ना कल फिर से पटक दी। भी ललका साढ़वा बेर बेर आपको काहे पटका नहीं मारता? का आदमी मुखिया जी वो हमरे पीछे काहे पड़ल है। ठीक है उसको हम खदड़वाने का उपाय कर रहे हैं जी। मैच शुरू होने वाला है मालूम है ना? जी तो दुगदुगी पिटवा दीजिए, जो जो आदमी को ट्रेनिंग देखना है वो सीधा फुटबॉल मैदान पर आ जाए। ठीक है, कन्हाई आपको 11 प्लेयर का लिस्ट देगा, उसको भी बुलवा लीजिएगा। ठीक है जी। कन्हाई ज्यादा उस बेड़ी टेढ़ी पति आवे ना तो मार के थुथुर नियन थुथर मुंह कर दो सबको, समझे ना? यो एगो गांव के नमूने असर। अरे सिपाही अगर ठीक से, अरे साला आग लगाओ ना रे। सुनो रे, आज सब बनिहार को गेंदा खेले के लेल चुनल जाएगा, मुखिया जी का आदेश है। आज जवन बनिहार का एक बार एंट्री हो गया ना समझो उसको बड़का का तूतर धोवे से फुर्सत मिल गया।
तुम लोग को फुटबॉल खेलना सिखाया जाएगा और ट्रेनिंग से लेकर के फाइनल तक सबको मजूरी में रोज 3-3 किलो चावल दिया जाएगा और जिलेबी से हो लुटावल जाएगा। अच्छा हमनी के टीम फाइनल जीत गई। साला वो दिन तो लौंडा नाच का धम गजर मचेगा और छूप के तारी चल है विनय बाबू। अरे सिलेक्शन का प्रक्रिया आरंभ कीजिए। मुखिया जी बताइए रामानंद बाबू आए होते तो ये सब होता? अरे छोड़िए ना रामानंद बाबू को। नहीं मालिक, अरे छोड़िएगा। अरे मोटरसाइकिल से खींचाएगा, ऑटोमेटिक ट्रेंड हो जाएगा। अरे कार है चपंडुक साला, धान का बोझा लेके आरी पर दौड़ना है? यहाँ से कोई आगे नहीं आएगा, समझा? चल थूक साला, थूक के चाट साला, मारेंगे साले तने। चाट चाट साला चाट। ए मुखिया जी, अरे क्या कर रहे हैं आप? इतना इस सब को दौड़ा रहे हैं, ये सब दौड़िए नहीं रहा है, लंगड़ रहा है सर। मोटरसाइकिल से खिंचवाए तो भी इसके दिमाग पर जू नहीं रेंग रहा। फुटबॉल के मैदान में भी ठकुराई दिखाने लगे। खिलाड़ी का सिलेक्शन खिलाड़ी की तरह होना चाहिए ना। जाग गया ना आपके अंदर का भगवान। मैच के बाद धान तो यही लोग से न कटवाना है महाराष्ट्र ने। उठो शाबाश, उठो बेटा। अरे चप्पन डुक साला, करेगा ना टंकी? जब ऐसा टीम तैयार कीजिए कि मोहन बगान को फेल कर दे, नहीं तो जानते हैं वो सब हमनी के अपन ही थक। ए मुखिया जी, ए चलो रे। इसमें कोई शक की बात नहीं कि तुम लोग इस टोले का सबसे ज्यादा मेहनती और समझदार लोग हो। लिस्ट तैयार है, जिसका जिसका नाम लेंगे वो खड़ा होते जाना। सबसे पहले मोटका। जी गुरुजी। भरबितना। जी गुरुजी। दतुला। जी गुरुजी। लिट्टीराम। जी गुरुजी। चबुआ। जी गुरुजी। सुखाड़ी। उपस्थित गुरुजी। भगवान दास। जी गुरुजी। लोरिक। जी गुरुजी। मदन मोहन। जी गुरुजी। भोरिक। जी गुरुजी। कैप्टन रहेगा चनेसरा। जी गुरुजी। चुना गया खिलाड़ी को आजे भर छूट है, कल से सब कुछ का त्याग। का मतलब कल से कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, उपास रहेंगे? अरे नारे, इसका मतलब हुआ कि कल से हम लोग चूहा और कौवा पका के नहीं खाना है, नहीं तो गुरुजी छुआना जाएंगे। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, कल से तुम लोग ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करोगे। ये सब काम तो पंडित जी का है ना गुरुजी, और धर्म कर्म का तो सारा नियम वही जानेंगे ना। हर तरीके, अरे पूजा उजा नहीं करना है। गुरु जी का कहने का मतलब यह हुआ कि गुरु जी का कहने का मतलब यह हुआ कि आज के बाद कोई भी खिलाड़ी अपने मेरारू के साथ नहीं सुतेगा। हम तो चनेसर भाई के सोच के बड़ी परेशान हैं। परसों दिन गौना हुआ है और राजे बन आग लगे फुटबॉल में, अब बच्चर खजी मैच को। अरे ए झुलनी, तुम भुरबके हो का? तुम फुटबॉल में को काय कर जा रही? देख लीजिए, हम कह देते हमारा मर्दाना मैच उच नहीं खेलेगा। इसके आगे झुलनी, ए झुलनी, कहो मुगे सर, पुतहु पढ़ा लिखा लाए हो कि अंगूठा छाप? हमनी के भाग में पढ़ाई लिखाई कहाँ है मालिक? अरे तुम लोग अपने लइकन को पढ़ाने कहाँ देते हो? पढ़ाई छोड़वा के भैंस चरवाओगे, बकरी चरवाओगे, मजूरी करवाओगे, तो खानदान दर खानदान ऐसे ही बढ़कन के घूस आप करना पड़ेगा ना। याद रखो, अगर जुल्म से मुक्ति पाना है तो तुम्हें शिक्षित होना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब कल 5 बजे सवेरे से अभ्यास शुरू किया जाएगा, लेकिन अभ्यास शुरू करने से पहले तुम लोग मेरे घर आओ।
तुम लोगों को मेरी तरफ से चाह का पार्टी। कविता लिख दे ना। काहे ला ब्याह करके लाए हम कोई घर में? अरे काहे इतना कोहराम मचा के रखी है? काहे ला के तवा फाड़ दी? अरे मैं चाहे दे। दो दिन घर में आईला नहीं हुआ के इतनी अकफर हो गई है? का जरूरी था उतना आदमी के बीच आज भतर भतर बोलने का? है ना कका, ऊ लोग को का जरूरत था इन्हें उन्हें का बात करने का? तो हम छोड़ देंगे कि बोलबे करेंगे, फुटबॉल मैच खेलो, ये खेलो, खुलो, पता ना कागा खेलो। ए, ए जो, जो सुते। इतना जो? बोलती है रे। फुटबॉल में मुझे हमारा प्राण लेके छोड़ ना माई, ये तो पागल है। इतना बोलेगी तो पागले ना हो जाएगी। अरे काहे इतना भचर भचर करती रहती है? अरे कविता गाना तो हम बचपन से ही लिखते है ना, और तुम्हें पता है ये कविता तो हम तुम्हारे ऊपर लिखे थे ना, सुनाऊं? हमको नहीं कुछ सुनना चाहिए। अरे कैसे नहीं सुनोगे? सुनो। मुझो सा फुटबॉल रे, केने से सौ दिन बन के आए सिरे, जवानी के दिनवा का है, अरे सुखले बनाए सिरे। तनी छुए के छूट दे दीजिए, तनी वादा खिलाफी कर लीजिए, तनी कुर्ती का हुक खोल लीजिए। ए इधर आना, तनी चुम्मा हमको। अरे सुन सुन, इधर आना। हमको शर्म आता है जी। अच्छा अब तुम नहीं खिसी होगे ना? एगो बात कहे, गौना के पहला रतिया तो बतिया बतिया की जियान कर दिए, और ऊपर से मुझो सा फुटबॉल बात तो का जाने करने से आ गया। एक बात कह देते, हमरा से बर्दाश्त नहीं होगा एक गो महीना, जाके सुन जाएंगे कोनो के साथे। हां अरे अरे, एक महीना बर्दाश्त नहीं होगा, एक महीना बर्दाश्त नहीं होगा ना। अच्छा बताओ, गुरु जी की बेटी आरती अकेले कैसी रहती है? उसका तो शादी होने के बाद तो 3 साल तक तो गौना भी नहीं हुआ। बताओ उसके जैसे तो पूरे जवार में कोई सुंदर नहीं है। अरे क्या हुआ? अपना मलकिनी के पास बड़ा फिक्र है लोग रानी। अरे ये का रे, ये दोनों इतना रतिया में बाहर कहाँ जा रहे हैं? अरे गुरुजी कल से न मना किए हैं, आज काहे जियान कर रही हो? छोड़िए छोड़िए, हमको हमको नहीं बतियाना, वो हमसे ज्यादा सुघर है का? अरे कौन कह दिया कि तुमसे ज्यादा सुघर है? अरे तो गोरो को धोबन है। लेकिन एगो फर्क है, तुम थोड़ा सावर हो, आओ दूध नियन गोद। छोड़िए हमको, छोड़िए अच्छा कुछ नहीं, छोड़िए छोड़िए हमको, हमको नहीं बतिया ना। कुछ नहीं सुनिए, ए जाने सर मार देगा कारे। ए जाने सर के बाबू जल्दी आवा, ए जाने सर के देखा था नहीं का हुआ? ए जाने सर चल खड़ियानी में सोने, चल जाके देखो बाबू मारपीट। कंगाल साहब जी, ये कहाँ जा रहा है सवेरे सवेरे? आई गमछे में तू लोग का बने हुए? कटोरी है मालिक। कटोरी का रे, ककरो यहीं भोज ओज है का? आज से गुरुजी फुटबॉल में सिखाएंगे ना। अच्छा, तो कहे थे कि सब लोग मेरे यहाँ सवेरे सवेरे आ जाना, सबको हम चाय पिलवाएंगे, इसीलिए सब अपना कटोरी ले लिए है मालिक। जा तो बनाओ। आ रहे हैं पापा, रेडियो तो बंद करिए ना। अच्छा अच्छा। अरे पापा आपके खिलाड़ी भी आ गए हैं। प्रणाम जी, खूब खुश रहिए। तो तुम लोग तैयार हो? जी जी। आरती बेटी, भगवान का विजय तिलक यानी हमारे खिलाड़ियों को भी लगा दो। आ रही हूँ पापा। जीती रहो,
खूब प्रसन्न रहो, हम अभी तैयार होके आते हैं। जी। आओ चनिसरा। अरे आओ ना। अरे ना ना मलकिनी, अगर आप छुआ जाएगा तो फिर से नहाना पड़ेगा ना। काहे, देह में महिला लपेट के आए हो का? नहीं, अभी तो हम लोग नहर से नहाए क्या है। तो खड़े हो चुपचाप और माथा इधर दो। चलो दो। अरे आवा हो, तू लोग भी आवा, भगवान के सब टीका ले ला। आवा भर जो ना, जो भर कितना जो। दो दिन पहले गौना कर लिए और हमको बताया भी नहीं। और वो जो उन गौना में खाजा बतासा मिला था, अकेले के लिए ही खा गए बेटो कहीं के। अरे मलकिनी, नहीं नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं की। चुप रहो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। मलकिनी, ए मलकिनी, मलकिनी, मलकि अरे तुम लोग नीचे काहे बैठे हो? ऊपर आओ, ऊपर बैठो। आओ आओ, चौकी पर बैठो। अरे घबराओ मत, आओ उठो। आओ। पंचायत का सारा टीम बबुए लोगों का है और हर मैच में तुम लोगों का भिड़ंत बड़कन के टीम से ही होगा। और ऐसे डरे डरे रहोगे तब तो हो गया ना मैच। आओ चलो बैठो। अरे बैठो चनेसरा, तू इधर आ जा। जी गुरुजी। अरे ऐसे काहे बैठे हो, एकदम सीना तान के बैठो। ये हुई ना बात। आओ बेटा आओ जी। जरा इन लोगों को चाय पिलाओ। जी पापा। अरे ये क्या कर रहे हो? ये सब कटोरी रखो अपने पास, आज तुम लोगों को मेरे कप में चाय पीना है, समझे? ये चने सर, सबके चाय बांटो। देखो हम सब एक हैं, हम लोगों के अंदर का खून भी एक ही रंग का है। मलकिनी, लाल। हमको भी दुगो हाथ है, दुगो आंख है, दुगो पैर है, वही सब तो तुमको भी है ना, कोई फर्क नहीं है, समझ गए ना? हाँ, एक फर्क जरूर है, ये दतुला का दांत ज्यादा निकला हुआ है। वो गौना वाला बतासा खाजा नहीं लाए ना, उसके लिए सॉरी मलकिनी। ये इंग्लिश कब से बोलने लगे? इंग्लिश? हाँ? अरे हमर मेहरारू अपने नेहर में जौन हवेली में काम करती थी ना, वहाँ सब बड़का साहब ना गलती होने पे ऐसे ही बोलते थे, वही हमको बताई है। बाप रे, तुमरे मेहरारू तो बहुत तेज है, बड़ा आदर सम्मान हो रहा है आजकल। रात्रि से मुंह फुलाई है, दिन भर फुटबॉल में उसको गरियाती रहती है मलकिनी। ये फुटबॉल में से का दुश्मनी हो गया है उसको? जाने दीजिए, हम नहीं बताएंगे। ए सुनो ना, यहाँ आओ हमारे पास। जी मलकिनी। अच्छा, हम केकरो नहीं कहेंगे, हमको तो बता दो। वो गुरु जी कहे है ना कि जब तक फुटबॉल में चलेगा ना, तब तक कोई भी खिलाड़ी अपने मेहरारू के साथ नहीं रहेगा। तो कहाँ जाएगा? थोड़े के आपको समझ ही नहीं रहे। अरे कहीं नहीं जाएगा। तो? आप एकदम गुरबके हैं का? मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक फुटबॉल में चलेगा ना, तब तक कोई भी खिलाड़ी अपने मेहरारू को कुछ भी नहीं करेगा। हम अपने मेहरारू को कितना समझाए, हमारी मलकिनी तुमसे ज्यादा गोर है और उनका ब्याह होने के बाद तो गौना भी नहीं हुआ, बताओ बिना मर्दना के कैसे रहती है? साथ में हम आपके लिए कविता लिखे, सुनाते हैं। मन मसोस के रहे पिया जी, कौनो ना पुछवैया जी, तकिया चापी चापी रात गुजारी, कौनो ना सुतवैया जी, मन मसोस के रहे पी। मलकिनी, ए मलकिनी, हमारा कविता इतना खराब लगा कि आप उठ के चले गए। ठीक है, आज के बाद हम कोनो कविता उविता नहीं सुनाएंगे, जाते हैं। चापी चापी रात गुजारी,
जो गुरुजी बोले ना कि जब तक फुटबॉल में चलेगा जब तक तुमको सपना नहीं है। फुटबॉल में तो हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया। फुटबॉल मैच चल रहा है। होते हैं ये लोग और मैंने भी मेहनत करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सब देखने से ही पता चल रहा है। चले सर भाई तनी उलावा कुछ अमनियो खिलावा हो। यार अमनन बाबू क्या ट्रेनिंग दिए है। वाह आप एकदम छा गए। अरे इन लोगों ने बहुत दिए। आप बुदक रहे हैं। मैंने तो बस उसे निकालने का प्रयास किया। ले ले सर 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 ले 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 भाई बच्चा कर ले सर कर ले ले मेरे हाथ में बच्चा कर लिए। अरे हम तो साले का फील्ड में पटक के मार देते लेकिन आपका मुंह देखकर चुप हो गया। अरे आने दो ना साले सब आज फर्दा नहीं बना दिए तो देखना। बहुत अच्छा खेले तुम लोग और भी मेहनत करो खूब मन लगा कर मेहनत करो। जी आए गुरु जी बार भी तनवा का कौन सा साइड का जूता है। चुप 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 सब चुप हो जाओ रे। नमस्कार मुखिया जी। आओ चने सर बैठ। देखो 11 खिलाड़ियों के लिए मैंने यहाँ जूता जर्सी से दिया है। मुझे लगता है कुछ और तो नहीं चाहिए। ठीक है ये लीजिए मुखिया जी। क्या है ये लिस्ट है मैच के लिए कुछ जरूरी सामान का। जैसे गांव के नाम से जर्सी सिलवाना पड़ेगा। इन लोगों के लिए गेंदा खेलने वाला बूट और मोजा खरीदना है। 15 जोड़ी जूता मोजा और 15 जोड़ी जर्सी कुल मिलाकर 3,500-4,000 का खर्चा पड़ेगा। लीजिए। फुटबॉल के साथ साथ क्या सिखाए हैं ये लोग। अरे इन्हीं के कहां उठना है और कहां बैठना है हमनी के सामने वो भुलवा दिया। मार जूता साले इतना जुतियाएंगे ना कि शरीर का नक्शा चेंज हो जाएगा। चप्पन दुखता है। चने सर, आप लोग खाली अपने राग लपते रहते हैं। अरे ये लोग अभी आपके खेत का धान काटने वाला बनिहार नहीं है, खिलाड़ी है। और जब तक खिलाड़ी का मनोबल मजबूत नहीं होगा तब तक खेलेगा कैसे। अरे इन्हीं के मनोबल के मायके नहीं खेलेगा कोई जूता जर्सी बड़का खिलाड़ी के बाहर बनल है। सुनिए जूता और जर्सी खेलने के लिए मांग रहे हैं हमने सब। कोनो हित ही में नहीं जाना है और आप बिना मतलब का गालियों ले मत दिया कीजिए। अरे माँ का बच्चा
कन्हाई। अगर तूने अपना गंदा जुबान बंद नहीं किया ना तो राख लगा के जीप कबार लेंगे। सुनिए सुनिए, अरे इस सब राड चपंडुक के फेरी में हम लोग अपने में काहे लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ? बात है साफ, हमनी के तरफ से न जूता मिलेगा और न जर्सी। आपको हम फुटबॉल सिखाने के लिए न भेजे थे, आप क्या सिखाए हैं इन लोगों को सब दिख रहा है हमको। आपसे तो हम बाद में फरियाते हैं। ए, चलो रे, चलो। कुछ मालूम नहीं कहाँ किसको उठाना है, कहाँ बैठाना है, सब को सर पर चढ़ा लिए। नहीं चाहिए हमने के जूता जर्सी, सर खाली को सबके कबार के गर्दन चोरा दिया तो हमारे नाम पे बोक्का बोलेगा सब। ए चले सर भाई, बिना जूता और जर्सी के खेलेंगे और जीत के दिखाएंगे। घबरा कह रहे हैं महाराज, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अरे तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते, पैसे का इंतजाम मैं कहीं ना कहीं से कर लूंगा ना, लेकिन बिना जूता और जर्सी के खेलना ठीक नहीं है। नहीं गुरु जी, आप बप्पर खिलाड़ी की कसम, अब हमने सबके औकात उन लोगों को दिखाना चाहिए। हाँ। और हम वादा करते हैं गुरु जी, आपका सर हम कभी छुपने नहीं देंगे। क्या हो तो ये लोग तैयार है ना? चलता ना तो मारी दिस लाठी या फूटी दिस कपार, अब भागीपन बिलार सबे ने उन्हें। सब रामानंद बाबू का खेल खेला हुआ है, हारने दीजिए ना। बीच फील्ड में लंगटिया के और नहीं थूक चटवाए ना तो हमारा नाम आप चेंज कर दीजिए। सुनो सुनो सुनो, तुम मैं जीत के जरूर आई हो। लूटा राजा दशरथ भैया, अरे हो दादा, लाठी में भाला काहे लगाए हुए हैं? का है हाँ। जो लड़का सलवा है ससुरी के हाँ? बार बार हमरा पीछे ही पड़ा रहता है। हाँ। वादा करते हैं मलकिनी, जो भी मैं जीतेंगे ना उसका जीतल का कप आप ही के हाथ में देंगे। अब हम चलते हैं मलकिनी। जीत के आना। जी मलकिनी। बघेल चक्का टीम आए और वीडियो साहब से आशीर्वाद ले। गोपाल चा, ये सब कौन है महाराज? ये बघेल चक्का ठाकुर लोग मंगल ग्रह से आया है का? इसे भूत बानर जैसे कैले हैं। अरे काहे का ठाकुर, सब बघेल चक्के बनिहार लोग हैं। बनिहार? वहां के ठाकुर को हाथ पैर में दही जम गया है, अपने खेले में फांस गाल रहा है, तो चले हैं छुटकन के भरोसे।
सब हमें सटेगा तो छुआना चाहेंगे। देखिए कह देते गोपाल चा, नहीं नहीं हम कह देते हैं, अगर इसमें से कोनो टच किया तो एकरा माई के वही मार के खरिहान कर। अब हम वीडियो साहब से आग्रह करेंगे कि वो माइक पर आए और अपने शब्दों से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाए। आइए सर। जहां शहरों से फुटबॉल लगभग गायब होता जा रहा है, वहीं सुदूर देहात में आप लोगों ने इसे जिंदा रखा है, ये देखकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। आज इस अवसर पर मैं यहां के आयोजकों और खिलाड़ियों से ये कहना चाहूंगा कि फुटबॉल के अस्तित्व को बचाकर रखें, साथ ही साथ युवा पीढ़ी का ध्यान फुटबॉल खेल के तरफ आकर्षित करें। टीम टॉस जीत गई है, घंटा। अब दोनों कैप्टन हाथ मिलाइए और खेल शुरू कीजिए। बिडौआ का माथा खराब है का? देखिए तो छुटकन से हाथ मिलवा रहा है। हाथ मिलाइए। वीडियो को थोड़ा चटवाइएगा। सत्यानाश, गंगा जल लो बच्चा, जल्दी पवित्र करके रख दिया। अरे जल्दी निकालिए महाराज। जय गंगा भैया। हाथ धो, हाथ धो। आज मौका है, दिखा दो कि तुम लोगों में सिर्फ जुल्म सहने की ताकत ही नहीं बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत भी है ना? लगता है कि कोई गलती किया है भाभी, इतना वहाँ के कैप्टन उसको समझा रहे हैं। और देखिए तुम अकेले कौन करोगे जब मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा भाई कैप्टन की तरह समझाया जा रहा है भाभी इतना को। और ये देखिए गेंदा फिर आगे बढ़ गया, अब इस चैनल का टीम गेंदा पास कर रहा है। तेरा माइक है, अगर तेरे में सट गया ना तो बहुत मार मारेंगे साले। ये ले रे बातचीत हो रहा है कि फिर गेंद पड़ा, चैनल का टीम गेंदा लेके आगे जा रहा है। चल चल हटता ही नहीं, चल नर्वस दिखाई दे रहा है। और ये चनरगढ़ की टीम गोल मार रही है, देखिए लेकिन गोलकीपर गेंदा रोक लिया, फिर से एक बार गेंदा बढ़ गया है, बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन हो रहा है। और ये देखिए फिर से हर पिछले गेंदा लेके आगे बढ़ रहा है, और देखिए आगे एकदम गोल के पास चला जा रहा है, सब बच गया। फिर से एक बार जो है सुनो वो जो भर बीतना है ना उस साला बहुत ही होशियार बन रहा है, ठीक है? उस साले को अब की बार पीछे से कॉलर पकड़ना है, ठीक है? उसको टारगेट पे लेना है। और ये देखिए गेंदा फिर से शुरू है और खेल में हर समय जो है खेलना होगा, थोड़ा उनको बच के खेलना होगा, क्योंकि उनके पैर में जो है जूता भी नहीं है, फिर लगा।
अच्छा प्रदर्शन करते हुए एक गोल से आगे है। अब मैच 15 मिनट बाद शुरू होगी। हारने दो ना, ये लोग को थूक नहीं चटवाए तो हमारा नाम चेंज कर देना। जियो साबास तेरो, मेरे मूंछ की लाज रख ली तुम लोगों ने। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, अरे खेल में ये सब चलता है, लेकिन जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो, जैसे को तैसा। अगर ये लोग गेंदा को तुम पर निशाना बना के मारता है, तुम लोगों के पैरों में भी दही नहीं जमा हुआ है। इस बार तुम लोग अपने जूते से उसके पैर पे मारना और तुम सबका पैर कुचल के रख देना। तुम लोगों में से कोई भी अकेले गोल मारने के फेरे में मत रहना, बढ़ा बढ़ा के खेलना, समझे? जरूरी था ही जबरदस्ती का मैच खेलने का। अरे हारने से अच्छा था कि खेलते ही नहीं। और जीतेंगे तो जलेबी बांटेंगे ना। अगर हार गए ना तो सब चप्पन डकमन के साथ है आपका भी दाढ़ी मोछ छिलवा देंगे, समझ गए ना? बड़ी खरखाही लोग कहीं से परेशान करे, ये तभी होगा जब कहते हैं हिम्मत। आज आपका लुंगी लंगोट और आपका खाली पांव सब पे भारी पड़ा। शांति रखिए, शांति रखिए। और हाँ, आज से मैं भी आप लोगों की इस टीम का नाम लुंगी लंगोट टीम ही रखता हूं। Thank you.
सुतल है ना, जितलका का पात्र हम चले गए। मलकिनी, ए मलकिनी, चनेसरा तुम जाओ यहाँ से। अरे हमने सब मैच जीत गए हैं ना मलकिनी, और हम आपसे वादा किए थे ना कि जितलका कप हम आप ही के हाथ में देंगे। कम से कम मलकिनी कप्पा ले लीजिए ना। तो क्या हुआ ना, जब हम आए तो आपका घर का दरवाजा बंद था, तो हम सोचे कि चुपके से छत पर चढ़ के अचानक आपको हम कप दे देंगे। क्या पता हम छत से आ रहे थे, आपको नहाते देख के आपके ऊपर गिर गए। ऐसा नहीं करेंगे मलकिनी, जा रहे हैं। मुखिया जी, आज रात में चुंबक देवी का प्रोग्राम रखे हैं मलकिनी, हम लोगों को देखने के लिए बुलाए हैं। आज तो करता करता हुई मलकिनी। Touch the dinner. Touch the dinner. Touch the dinner. Touch the dinner.
touch ke din touch ke din touch ke din मशीन है तेरा देंगे तुमको धंधा पड़ जाने दो फांसी का फंदा काम करेंगे गंदा पावरफुल मशीन है तेरा देंगे तुमको धंधा अरे सुखले मुंह में पागुर मारे गिरे टप 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 ला बेटी दरवाजा खोलना मालकिनी दरवाजा खोल सुन के सुन आइए गुरु जी बेटी बेटी तुम जाके खाना लगाओ हाँ लगाइए खाना गुरु जी का खाना लगाइए गुरु जी अगर हम लोग फाइनल में जीत गए तो आप हमको क्या दीजिएगा लगाइए ना अरे हम तो तुमको अपना प्राण दे ही दिए सब कुछ तुम्हारा हम जो मांगेंगे ना वो आपको देना पड़ेगा अरे तुम कह के तो देखो ये घर द्वार सब कुछ लिख देंगे मलगिनी हमने सब फाइनल मैच जीत गए ना तो आप मलकिनी के तो मलकिनी के दूसर ब्याह करवा दीजिए ये सब हमने बाबू साहब में नहीं चलता एक बार बेटी विधवा हो गई तो फिर उसकी दूसरी शादी नहीं होती है। अब एक बार वादा तो कीजिए ना मैं सबका गर्दा उड़ा दिया तो मैं कुत्ता का जन्म लेकिन गुरुजी मलकनी का दूसर भी आ करवा दीजिएगा गुरुजी गुरुजी बात सुनिए गुरुजी दिया वादा
फाइनल में जीतेंगे और मलगने का हम भी आकर। चने सर, चने सर, बोलिए। अरे जाओगे कि यहीं पसरल रहोगे? सॉरी। चलो जाओ। चप्पल कहाँ गया मेरा? गुरुजी का करा लगा दीजिए। चलते हैं। आराम से। सॉरी, एक और मिनट ना सुनेंगे। नहीं चलो। चने सर, घर जाओ। सुनिए ना। हाँ सुनिए, अब तकिया चापी चापी काय रात गुजारी, काय रात गुजारी तकिया चापी चापी। चलो। कौनो रे कौनो तो मिली है पिया भैया जी। चने सर घर जाओ और एकदम चुप, कुछ मत बोलना। चलो घर जाओ आराम से। अरे कौन है रे चलान, एक एक को हम हराएंगे और खाली पर हम गर्दा उड़ा देंगे। हेकड़ी झड़ले लाओ तो हमर वाला घिवा रे, बड़ा मन इस सब के बढ़ गया है। अजी अभी का देखें, इस सब के कितना लोगन के मुंह थूरना है हमको, बड़ा हेकड़ी झड़ले है सब। आ कल के सेमीफाइनल में बाबूपुर वाला के एक दर्जन नहीं घुसाए तो हमारा नाम पर बोका छोड़ देना। सरोज बाबू ठीक ठाक है ना? बाबू साहब के नाम पे हमर घंटा है आप, जिन में साला गलतियों से एक भी ठाकुर नहीं है। महाराज नाम हंसवा दिया आप तो, अपन पथरी में दम नहीं है तो चले हैं छोटकन के भरोसे। साला हमारा खड़ा मुंह तू नीचे किया रे साला, हथेली धो के नोच लेंगे रे, क्या अपने आप को समझता है रे? अरे इससे मैं झगड़ा कीजिएगा ही ठीक बात है। अरे हट चलिए। अरे रुक जा, तनी देखने दो ई बगे चक्कर ठाकुर में कितना दम है। अरे अरे क्या घंटा देखेगा? अरे शांत रहिए, हम सरोज बाबू के बात का समर्थन करते हैं। ठीक है, मोड़ पर थूक गिरा के नहीं चटवाए तो साला हमारा तू नाम चेंज कर दे। हक्का की नहीं साला, पढ़ का पूछ वाला बनता है तोरा माइक के। अरे काल साले को यही पर थूक नहीं चटवाए ना तो बोलना। ए मुखिया जी, आप तो बात बात पर सबको थूके चटवाते रहते हैं। अरे क्या गलत बात बोला है वो? थूक तो हम लोग को चटना चाहिए। 3×7 हो गया 21, 7 मैच के हिसाब से हो गया 21 किलो। बराबर में बांट दो, एक भी छटाक बचना नहीं चाहिए। चले चला अपन सब आदमी का हिसाब किताब जल्दी से रफा दफा करो। दतला जाके तलवार ना। ये कोनो लिखे पढ़े के जगह है, कहा जाने का लिखते रहते हैं दिन भर। अरे कप्तान है, अपना कुछ हिसाब किताब कर रहा होगा। आलू बैगन दाल चावल एक ना हिसाब होता है कापी किताब पर, कि फुटबॉल मैचों का काफी किताब पर हिसाब होगा। सेमीफाइनल मैच है ना, टेंशन तो रहबे करेगा। अरे वो अगला मैच का हिसाब किताब कर रहा होगा। एक बात तो मैच होगा। अरे तो सेमीफाइनल है, एक बात फाइनल होगा, अभी दो गो मैच है। मैच में खत्म होगा कि नहीं? अरे ऐसे नहीं खत्म होगा, तुम एक काम करो ससुरी गेंदवा पंचर कर दो। काजल के लिए नुका के रखते हैं गेंदवा को, जिस दिन हमको मिल गया ना पूछ हमें ठूस के लहरा देंगे, किसको पता नहीं चलेगा। कितना दिन लुका के रखते हैं गेंदवा को। आओ चलें सर, अपन चावल तो लावा। जल्दी जल्दी उस दिन उस
इन्हें काका लिखल है, बताना हमको पटके। हम नहीं पढ़ेंगे भैया, बहुत गुंडा गुंडा बात लिखे हैं। गुंडा गुंडा बात तो मलकिनी खातिर लिखे होंगे। मलकिनी को अपन गाना और कविता सुनाते रहते हैं। तो हमने मरद को बता ली है, देख रहे हैं मलकिनी है तो का हुआ, ओकर मुंह नहीं नोच लिए ना तो हमरा नाम कुत्ती नहीं। तुम चनेसरा की मेहरारू हो ना? हाँ हम ही तो हैं एगो। आओ अंदर आओ। दीजिए मलकिनी, कहा हुआ, काहे कैसे आई हो, कौनो बात है का? गांव में सब कोई कहता है कि हमरा मर्द को आप फंसा लिए हैं और हमरा मर्द आपको गुंडा गुंडा बात लिखता है और वही है ना जे में हम मर्द आपके बारे में लिखे हैं। सुनाए क्या लिखा है इसमें? गौना के पहला रतिया जियान कर देलस हम पूछत पूछत नैहर के बतिया, जल्दी जल्दी उ ढिबरी बुझा के हमर पोरा में समाई और कुछ होवे से पहले बम जैसन खांस दी माई। और सुनाए गौना के तीसर रतिया मुझौसा फुटबॉल आके बंद कर देले सागे के बतिया, सपना में रोज जगा के कहती है तहिया पे रख दीजिए ना खाली हाथ, और इहो बतिया ना मानिएगा तो कह देते हैं सुत जाएंगे कौनों के साथ। ये तो हमारे बारे में लिखे हैं। काका समझ ली। का हुआ रे, लड़का सड़िया दोहरा दिया का, जो इतना जोर से भागी? भाग माई। पहले तो रामानंद बबुआ के मुंह को कुछ देना। सब तैयारी है ना? एक जयकारी मारेंगे ना सब जुटान हो जाएगा। ये सब का कर रहे हैं आप लोग? भांग वांग खा लिए हैं का? अरे एड़ी चोटी एक करके बेचारा ये लोग मैच को सेमीफाइनल तक पहुंचाया है और अब कहते हैं कि लोग नहीं खेलेगा, फिर खेलेगा कौन? हमने के जात वाला खेलेगा और कौन खेलेगा? अरे हमनी के गांव के खिलाड़ी कोनो भूखा नंगा नहीं है। आप तो खाली खेल और खिलाड़िया में भीरल रहते हैं, बाहर कैसन कैसन बात हो रहा है यहाँ पे बुझल है? अरे हम लोग हैं ना फरियाल में। अरे भच्चोन, अरे खड़ा होके देखता रहा है रे। अरे तीन तीन किलो चावल मिला है ना मैच खेलने का, आ जाना कल बनिहारी करने। मुखिया जी बात बात पर इनकी बेइज्जती करना बंद कीजिए, एक बात जान लीजिए सेमीफाइनल मैच यही लोग खेलेगा, समझे? चलो। ये कह रहे हैं ये लोग जो भी टीम का सिलेक्शन किए हैं पहले बोलिए हम सब करिए।
जो जीतेगा वही से भी फाइनल मैच खेलेगा। तू फिट बोला रे साला। भाइयों एवं बहनों एकदम शांति बना के रखिए। आज मैच में परिवर्तन हुआ है। बघेल चक की टीम आज एकदम जूता बूट जर्सी से एकदम लैस है, लेकिन पुरानी टीम नहीं है। टीम को मुखिया के इतना लबास कर दिए कि ठकुरे दिखाने के चक्कर में पूरा टीम में बदल दिया। आज देखना ये लोग एक दर्जन गोल से हारेंगे। देखिए हम तो गेंदा उंदा खेलना नहीं आता है, जबरदस्ती खिला रहा है ना, आप समझिएगा। मुखिया के यही फील्ड में बैठा के दाढ़ी या मूछ न छील दिए तो हमारा नाम सरोज सिंह। याद रखो हम लोग में महाराणा प्रताप का खून दौड़ता है। जाओ खेलो विजयी भव। खेल शुरू हो गया है। देखिए खेल शुरू हो गया है, लेकिन खेल में जो है बाबूपुर का टीम मैच नहीं खेलेंगे। कितना खून बह रहा है। अरे साला तो कोहबर में जाके बैठेगा, कहीं नहीं खेलेगा। हम तो पहले ही कह दिया। अच्छा अच्छा ए सुनो सुनो सुनो, आठ टाइम के बाद हमको इंतजाम करते हैं। चलो चलो खेलो 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 खेलो। अरे थुथुर बाप लेखा तू लोग पटका का रहा है इन्हें सोने रे। रे मुखिया जी ये को बात मालूम पड़ी है का? जो बाबूपुर का हितवा है ना सरोज बाबू, इतना बहुत बड़का ड्रामा रचिस। क्या बात करते हैं? बड़का खरखा बनल था। तो उठाकर तो तुम बदलवा दिया अपना आ उसका ही बहुत बड़का प्लान है कि वो आपका इज्जत का बैंड बजा दे। बतलाइए सुनो थे आप बतलाइए। कह रहा था ऐसा ना बॉस किए हैं कि पूरा टीमें बदल दी। हारने के बाद मुखिया जी के दाढ़ी मूछ उन्हें यही फील्ड में छिलवा दिया जाएगा। उसके बाद तो मुखिया जी बड़ा चिकन चिकन आप लगिएगा। अरे काई करे तब जैसा ही था भगाए करा यहाँ फिर बाबूपुर की टीम जो है तोड़वा के खा खेलना है मैच। अरे कहाँ जा रहा है? नहीं खेलेंगे ना। बाबूपुर की टीम अच्छा प्रदर्शन करते हुए चार गोल से आगे है। अब मैच 15 मिनट बाद शुरू होगी। क्या बात है मुखिया जी? आइए ना दो मिनट बात करना है भाई। बताइएगा तब ना, देख नहीं रहे गेंदा खिलवा रहे हैं। ए महाराज तने आइए ना। ए तो कब चला चनेसरा? हाँ मर गया साला। बड़ा बढ़िया गेंदा खिलवाते हैं आप। धन्यवाद। वो बहा देने वाला खेतवा में गेहूं नहीं रोपे आप। अब हमारा गांव आप लोग के गांव जैसा थोड़ा ही सोने का कटोरा है। जे दिन हमनी के गांव में भी नहर आ जाएगा ना, बस हमनी के खेत भी स्वर्ग हो जाएगा। दो महाराज तन चिंता मत कीजिए, तीन चार मन गेहूँ भेजवा देंगे हम। गेहूँ चनेसरा? रमटका
चहेसरा कहाँ है रे? मैं बोलता कहाँ है रे साला? मैं तुमको सुनाने दे रहा है? मैं मुटका, मैं मुटका साला, साला हम कुछ कर रहे हैं तुमको रे? मैं मुटका। मैंने बिरार के तरह यहाँ कहाँ छुप के बैठा है? चल मुखिया जी बुलाए से मैदान में आओ साला सब चार पांच गोल कर दी से हाफ टाइम के बाद में तो हनी लोग का मैच खेलना है महाराज मजाक कर रहे हैं क्या गेहूं आटा हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है अरे महाराज तने मजाक कर आई 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 आई, आई इधर आई बोलिए जिन महे आए हैं ना वह महे वापस हो जाइए कोई फुटबॉल मैच नहीं खेलेगा क्या बोला रे क्या बोला तू साला थूक गिर बाकी चटवाएंगे तभी तू लोग मानेगा रे क्या बोले चलता है कि नहीं साला थूक चटवाइएगा श्री सरोज बाबू ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि अब हाफ चांस के बाद बघेल चक की असली टीम लुंगी लंगोट खेलेगा जल्दी शुरू करवाइए इसका निर्णय रेफरी साहब और वीडियो साहब अरे ही का सुधाकर बाबू ये कोनो बात होता है कि हाफ टाइम के पहले वो लोग खेलेगा हाफ टाइम के बाद ये लोग खेलेगा अरे रेफरी साहब आप कुछ कीजिए ना ये कोनो नियम हुआ जी प्रणाम हाफ टाइम के बाद यही सब मैच खेलेगा उनका ठाकुरे का नियम
हम भी रेफरी को परमिशन दे दिए कि बुलवा लो जिसको बुलवाना है, देख लेते हैं किसमें कितना भास है। सब देख रहे हो ना मैदान पे, सब नंगे पैर और तुम लोग के पैर में बूट है। एक एक करके सबके पैर को लहूलुहान कर दे। अरे दो चार गो को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो कहा बाबू साहब के टीम साले सब का नाटक बाजी हैं। इस साला सब जानबूझ के नाटक कच दी से हमने के हराने के लिए। इस साला तीन गोल तक तो सधा दिया है और उसके बाद देखिए चौथा गोल करने में उसका मैं मर रहा है का हैं। इस साला सब लगता है कि मैच ड्रॉ करना चाह रहा है, समझ रहे हैं ना आप। देखिए या देखिए ना समय हैं इका आपका घास जीतेंगे हम लोग। ये लोग का हम सब सबक सिखाती है, समझे ना। अब ये लोग सारा सब डरेगा। टाइम बहुत ही कम है, ये लोग खाली सारा सब टाइम पास करवा रहा है। ए बरिता भाई, एलिटिया, सुन, तुम आगे बढ़ना। इसका मर्दावा सब जानबूझ के मैच हराई से, कूद का कूद के हिल कर दो सबको। ये देखिए गेंद गेंद के बड़े बहुत सारे हो गए, एक दम से कम है।
गया। अरे जल्दी चल, सब गड़बड़ हो गया, जल्दी बाहर बाहर करना है, जल्दी बाहर। मलकिनी, मलकिनी, अभी गुरु जी का तबियत कैसा है? सुबह से 104 डिग्री बुखार है। सुना है तुम लोग मैच जीता दिए, काहे गए थे खेलने? हार रहे थे तो हारने देते। गाँव छोड़ कर जा रहे हैं गुरुजी। वो लोग हमारे पर बहुत जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया हमारे पर। वो लोग हमारे बहनों के सब लोग बेइज्जत करके मार दिया। है चले सर, निकला यहाँ से वो दरोगा, औरंगाबाद से पुलिस फोर्स लेके आ गए। चला, भोर होने से पहले हमरा सबके इलाका खाली कर देना है। चला 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 चला, हम जा रहे हैं, टेस्ट लाइट बने गुरुजी। मलकिनी, अभी तो हम सभी पारल जीते हैं ना, लेकिन फाइनल मैच खेलना भी बाकी है, वो भी हमने सब जीतेंगे।
हमारे ये सब जीते मर के नहीं, और अगला बार हम आपका ब्याह भी करवाएंगे, बल्कि नहीं ब्याह भी करवाएंगे। चले सर, जल्दी चला, जल्दी चला, पुलिस आ जाए। जा रहे बल्कि नहीं, चला। के पास उस सोप ठाकुर लोग का लिस्ट अच्छे सोप का मुंडी शेष तोड़ने का है, पूरा बघेल तक बघेड़ा को शमशान करना है, वो दुश्मन पर चोट करेगा, दुश्मन पर चोट करेगा। लेकिन दादा, हमने के दुश्मनी तो सिर्फ उन ठाकुरों से है जो हमने के बर्बाद किया है, बाकी का ठाकुर हमने के कुछ नहीं बिगाड़ा, और हाँ उनको कुछ होना भी नहीं चाहिए दादा, लेकिन जो हमने के बर्बाद किया है ना, उन सबको मारने के लिए हमें क्या रहेगा। ज्वाला आंखों में प्रतिशोधक ज्वाला, तुम केनो चिंता कर आया, ये सब हमारा बंधु लोग तुम्हारा साथ प्रोटेक्शन के वास्ते जाएगा, जाना हमारा बंधु लोग पूरा बोघेर चाक बोघेरा को घेरेगा, और तुम अपना दुश्मन का मुंडी शेष करना। भालो खूब भालो, जाओ मुंडी शेष करो अपना दुश्मन का, जाओ लड़का सलामत साला फिर से इस सासुरी के इस साला लड़का सड़ में रही ना तो हम ही रह। हम लोग आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपका घर हमारे कब्जे में है, जाइए अंदर। और पीछे
शौक है ना, आइए आज हम आपको थूक चटवाते हैं। लेकिन आगरा ए मुखिया जी, थूक गिरा के चाटिए। अरे हमको माफ कर दो भाई। अरे लेकिन थूक गिरा के चाटिए। अरे साला सुनाई नहीं देता है, बोल जाके थूक गिरा के चाट। इस साला मुखिया थूक नहीं चाटेगा। सबका पहली बार दुश्मन लोग का मुंडी शेष किया, तुम अपना काम किया साला, अब हम अपना काम करेगा। हे साला, ये पूरे गांव का बड़का लोग का मुंडी शेष करो रे।
भी तो उसका साथ दिया है ना। तुम लोगों ने मेरी शिक्षा, मेरा भरोसा, मेरे यकीन को ठेस पहुंचाया है। ऐसी कोई बात नहीं है गुरुजी। मत छुओ मुझे, हट के रहो। हम मजबूर थे गुरुजी, हम मजबूर थे। हम लोग तो वही लोग को मार रहे थे जो हमने पे जुलम किया था, और हम लोग वही लोग को मार दिए गुरुजी। लेकिन हमारा धर्म युद्ध को, हमारा साथ देने वाला आज जाति पाति का लड़ाई बना दिया है, और वो लोग पूरा गांव को जला देगा गुरुजी, पूरा गांव को जला देगा। और उस सबके कारण हम ही सब है गुरुजी, हम ही सब है। और हम ही सब बदले की आग में अंधा रास्ता अपना लिए थे गुरुजी। हमको माफ कर दीजिए गुरुजी। ना जाने शोषण करने का ये सिलसिला कब खत्म हो, ना जाने ये लड़ाई कब बंद होगी। चंद गुनहगारों के चलते पीढ़ी दर पीढ़ी सजा भुगतती है, किसी एक पीढ़ी को तो कुर्बानी देनी होगी। चलिए ना गुरुजी, सेमीफाइनल मैच जीतने के बाद हम लोग फाइनल मैच नहीं खेले थे ना, नहीं खेले थे ना गुरुजी। आज चलिए ना, आज आज फाइनल मैच खेल लीजिए। ये हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण, ये हुआ पूरब, और ये हुआ पश्चिम। गली की बाईं ओर भोरिक और दतुला मोर्चा संभालेगा। दाईं तरफ सुखाड़ी और चबुआ दशरथ के छत पर चढ़कर उनका ध्यान बटाएंगे। हरबितना और लिट्टी राम सबको चकमा दे देकर उत्तर के खेत की तरफ ले जाएंगे। तुम गांव के लोगों को बचाना, एकदम खोल की बजा। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। और साथ ही भगवान दास, मदन मोहन और लोरी को भी बचाना। हाँ गुरुजी, एकदम चिंता मत कीजिए गुरुजी। अच्छा, ये सब कितना लोग होगा? ज्यादा नहीं गुरुजी, 700-800 तो लोग हैं। 700-800 बस, तो चलो अब करदा करदा कर देंगे इन लोगों का। लगा था तो पता ही वो नहीं किया। ऐसे कुछ नहीं होगा तुमको। क्या बोले? बचा निकल रेडी। अरे रुक कहीं गई, चलिए ना। चने सर, आज का फाइनल मैच तुमको जरूर जीतना पड़ेगा हमारे लिए। वादा किए थे ना, जीतने के बाद हमारा ब्याह कराएंगे।
ये गौरी भाई का आवाज ना। मलकिनी ये मलकिनी आप नहीं आएगी। हम आ रहे हैं। अरे लिटिया लिटे बोरिक जल्दी चलिए तरफ से चेक लिए हैं। गुरुजी बुला रहे जल्दी चलिए। कुछ बोलते भाई उसको जान से मत मारना। कोई बात नहीं उसको पकड़ना। इस साले को जिंदा पकड़ना। चल 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 हमसे धोखा किया ही लोग। मेरे आदमी को मारा ही लोग। मेरे आदमी को के गांव वालों को बचाएंगे। डरना नहीं है। आओ चलो। फाइनल मैच जीत चुके हैं चने सर। इतिहास में कम से कम लोग ये तो कहेंगे कि लड़ाई बड़कन और छोटकन दोनों मिलकर लड़े चने सर। वैसे भी बघेल चक्की नरसंहार की सच बताने के लिए तुम्हें चिंता रहना पड़ेगा। जाओ जाओ चलो।
उसको जान से मत मारो।